बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्री क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स ओपन योर इंग्लिश लैंग्वेज वर्कबुक, पेज नंबर 19। टुडे आवर टॉपिक इज आर्टिकल। आर्टिकल्स मीन हरूफ़ तनकीर। जी, आर्टिकल्स की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड विच स्पेसिफाइज whether the noun is definite or indefinite. There are three articles, a, an, and the. The articles a and an are used only with singular countable nouns. The meaning of these articles is similar to one. जी देखें, हरूफ तनकीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम को महसूस या आम बनाने के लिए इस्तेमाल हो। हरूफ तनकीर तीन हैं, ए, एन और दी। ए और एन आम हरूफ तनकीर हैं क्योंकि ये किसी आम इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं। हरूफ तनकीर का मतलब एक होता है, ये सिर्फ सिंगुलर जो नाउन होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है। जी ठीक है, तो आपने थ्री क्लासेस की डेफिनेशन जस्ट इंग्लिश में लिखनी है, यहाँ तक सिमिलर टू वन तक। जी ठीक है, और इसको लर्न भी करना है और प्रैक्टिस रजिस्टर पे प्रैक्टिस वर्क भी करना है। ओके जी, जी थ्री क्लास, ये देखें जैसे डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये मैंने जैसे नोट डाउन किया है ऐसे ही आप लोगों ने अपनी बुक पे नोट डाउन करना है। इसको लर्न भी करना है, प्रैक्टिस रजिस्टर पे प्रैक्टिस वर्क करना है। डे आप लोगों ने मंडे क्लास वर्क पर 20 अप्रैल 2020 डेट मेंशन करनी है, ऐसी पेज प्रिपेयर करना है और इसको आपने लर्न करना है, प्रैक्टिस जिससे पे प्रैक्टिस वर्क भी करना है और आपने लेड पेंसिल से काम करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।